ओके, वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 31 to 40, चैप्टर 32, SCV 2। इसमें दिया हुआ है कि वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस बेंड टू फॉर्म द रेक्टेंगुलर हेक्सागन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ लूप बिटवीन ए बी एंड ए सी एंड ए डी। तो जो 15 ओम है, 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, 2.5, ईच पार्ट का 2.5 ओम है, है ना। फर्स्ट पार्ट में ये और रिमेनिंग इन सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, उनका निकल लिया 12.5, 12.5 एंड 2.5 इन पैरेलल, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकल लेंगे। AB के बीच में इतना आएगा, AC में ये वाले पैरेलल में हो जाएंगे इसके साथ, एंड सिमिलरली AD में आधे आधे पैरेलल में इधर के और इधर के पैरेलल में हो जाएंगे, तो 3.75 आ जाएगा इसका, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ईच ब्रांच का कैसे निकालना है, डिवाइड करके 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अभी। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर व्हेन द स्विच एस इज ओपन। जिस समय ओपन है तो ये दोनों सीरीज में है, एड ओके ओम्स लॉ से I=I1V/R net। जिस समय ये क्लोज हो जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा करंट इधर से निकलता है सारा, गोज लाइक दिस, तो इनसिग्निफिकेंट है ना। इसका वैसे भी नेट निकाल के देखो, फिर ज़ीरो आएगा, बिकॉज इसका तो ज़ीरो है, 0 and 20 इन पैरेलल कैलकुलेट करो, ज़ीरो ही आता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग में नो यूज़ और इनसिग्निफिकेंट हो जाता है 20 ओम, तो 10 ही बचा अभी। अगेन ओम्स लॉ से I=V/R से I2 आ जाएगा, मोर करंट बिकॉज एक रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 33 में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा, बैटरी का नेट EMF निकाल लेंगे, दोनों अपोज करेंगे, देखो किरचॉफ लॉ से देखें, -2 and +4, तो 4 - 2 कर लेंगे इसको, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसमें ज़ीरो जाएगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से निकल जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड वायर में ज़ीरो रेजिस्टेंस के पाथ में से पूरा करंट निकलता है। इसमें देखेंगे शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट द पोटेंशियल एट ABC, 30, 12 और 2 दिया है, फाइंड द करंट थ्रू द 3 ब्रांच। तो हमने यहाँ पे सपोज V मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड उसको मान लिया हायर है, तो इधर भी करंट भेजेगा, वो इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा, तो V को हायर ले लिया, तो करंट यहाँ पे सपोज I1 है, इसमें I2 I3, तो ऑल द करंट्स आर गोइंग आउटवर्ड, इनवर्ड इज ज़ीरो। अभी ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ से, V-30 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, V-12 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, V-2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V अपना 20 आ जाएगा, फिर हम इंडिविजुअल ब्रांच में निकाल सकते हैं, V 20 है और इधर का 30 है, तो 30 - 20 अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ 1 एंड बाकी 2 भी ऐसे ही, 20 - 12 अपॉन 20 एंड I3 विल बी 18, 20 - 2, इधर ये 20 आ गया, ये तो ये दोनों करंट कर ऐड करके देखो, 0.4 + 0.6 = 1, 1 आ रहा है लेफ्ट वाली ब्रांच में से, वही डिवाइड हो रहा है आगे जाके, 35 ईच ऑफ रजिस्टर्स हैज 10 ओम एंड बैटरीज भी 10 वोल्ट की है, फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो किरचॉफ लॉ लगा देंगे इस वाले लूप में, अपर लूप में, ठीक है, तो अपर लूप में वी आर यूजिंग द किरचॉफ लॉ, तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो 10 वोल्ट की बैटरी और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR, तो I will be 1 एम्पियर। अभी हम ये वाला देखेंगे, बिगर लूप, बिग लूप,
यहाँ से चले 10 माइनस 10, नीचे आए माइनस आई आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो आई बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट बी इसमें देखते हैं। इसमें पहले लेफ्ट लूप में ऐसे घूम रहे हैं, तो इधर से गए ऊपर 10, करंट की डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, तो आई विल बी 1, और उसके बाद बिग लूप ये वाला, तो ऊपर गए 10, करंट की डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, फिर नीचे आए तो माइनस 10, तो आई बी विल बी 0। थर्टी सिक्स देखेंगे अभी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट शोन। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया हमने, दोनों बैटरी एक साइड में कर ली, ये अभी पैरेलल में दिख रही है, इसको समझ लिया ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो दो पैरेलल बैटरी का नेट निकाल लेंगे, है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकाल लेंगे, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू से। तो ये दो बैटरी को सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर ओम्स लॉ लगाया आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, तो इसका ई नेट यहाँ पुट कर दिया, आर नेट में ये सीरीज में आ जाएगा इसके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, और फाइनली हमें क्या निकालना है वी ए बी। हाँ यहाँ पर देखो हमें टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, वी ए बी विल बी आई इंटू आर थ्री। तो आई निकालने के लिए इन बैटरी को हमने इक्विवेलेंट बैटरी से कन्वर्ट करके फिर फार्मूला लगाया, तो ये करंट के ऊपर से इक्वेशन निकाली, फिर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में ये बचा तो इस टर्म से करंट डिवाइड कर दे यहाँ भी और यहाँ भी, ये तो वन हो जाएगा, नीचे जो है ऐसे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री आ जाएगा। और अल्टरनेट मेथड भी है इसमें, टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन ए बी विल बी, तीनों बैटरीज हमें थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले तीन बैटरी हैं, उनके तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, या तो ये होता फार्मूला ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू एंड सो ऑन। तो थर्ड बैटरी तो है ही नहीं, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो यही बच जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 37, तीन बैटरीज हैं पैरेलल में, किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम इसमें, 1 ओम है रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसलिए 1 इंटू I1 ऐसे जा रहे। ठीक है, फिर लोअर लूप में ओके यहाँ पे हमने लगाई इक्वेशन तो ये आ गई, फिर लोअर लूप में लगाएंगे वो भी ऐसे ही, ठीक है, क्लॉकवाइज जाके फिर डिस्कस। देखो यहाँ से गए करंट के अगेंस्ट में गए तो प्लस आई आर, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो माइनस टू, फिर नीचे आए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हुए 1, ये 1 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, ई टू इज ऑफ 1 वोल्ट। ठीक, फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो इसको माइनस, ये तीन इक्वेशन बनेंगे तुम्हारे, बिग लूप के लिए भी क्लॉकवाइज जा रहे, बिग लूप के लिए भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बनेंगे तीन इक्वेशन, ऑलराइट, तो बिग लूप के लिए भी क्लॉकवाइज गए, तो ये फिर से इक्वेशन बनाए, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, सभी में क्लॉक वाइज। तो और तीसरी इक्वेशन ये बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रही। देखो फर्स्ट लॉ से हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिखा, करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, सारे करंट अप्रोच हो रहे, लीव तो जीरो ही है, बस अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से आई टू की वैल्यू निकाली एंड सेकेंड इक्वेशन से आई थ्री की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी सारी आई टू एंड आई थ्री की वैल्यू, तो आई वन आ जाएगा, फिर उससे आई टू एंड आई थ्री भी आ जाएगा। उसके बाद हमने वी ए भी निकालना है, तो यहाँ से चले वी ए प्लस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू बी बी, पार्ट पार्ट ऑफ द लूप के लिए ऐसे ही लिखते हैं,
यहाँ से चले, यहाँ पे हमने VA मान लिया थोड़ी देर के लिए, और इस इधर गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे VB, प्लस माइनस होके VB बचा अपना करंट, वही फिर से किरचॉफ लॉ से करंट के अगेंस्ट में जाएंगे, प्लस आई आर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकले, यहाँ से VA माइनस VB जो है विल गेट 2 वोल्ट। इसी में अपर ब्रांच में भी जा सकते हैं, VA प्लस एंड माइनस करते हुए यहाँ पर, तो ये अपर ब्रांच की इक्वेशन भी लिखी है मैंने, उससे भी 2 आ रहा है। लोअर ब्रांच से भी जा सकते हैं, उससे भी 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, I1 निकलना है, तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, लोअर लूप में पहले क्लॉक वाइज जा रहे हैं, सॉरी अपर लूप में एंटी क्लॉक वाइज गए, तो यहाँ पे लिख दूँ, एरो बना दूँ, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखी, प्लस 3 माइनस आई आर माइनस आई आर, यहाँ पे दोनों करंट, देखो यहाँ से हमने I1 लिया या I2, इसमें दोनों I3 जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे लोअर लूप के लिए ऐसे गए, माइनस आई आर, फिर ये माइनस, फिर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो प्लस 4.2, इक्वेशन सॉल्व की 2 ये आ गई, 1 ये है, और इसमें क्या किया, 1 माइनस 8 इंटू 2, दो में 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से हमें I2 मिल गया, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट टू बी फाउंड आउट, नोट कर लो। किरचॉफ लॉ, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे अभी, फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टेंसेस शोन इन द फिगर, तो लोअर लूप की, लेफ्ट लूप की क्वेश्चन बनाई हमने एंटी क्लॉक वाइज में, तो यहाँ से देखो माइनस 2 प्लस आई आर और प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया तो करंट 0 आ गया, फिर सेंट्रल लूप की बनाई, ये भी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, यहाँ से चले माइनस और प्लस आई आर प्लस 2 और माइनस, तो यहाँ पे देखो ये फिर से कैंसिल ही हो रहा है EMF, इसीलिए करंट 0 आ रहा है। ऐसे ही लेफ्ट लूप की बनाई, ये भी हमने क्लॉकवाइज चले, यहाँ से चले माइनस 2, फिर करंट की डायरेक्शन में गए माइनस और फिर करंट की डायरेक्शन में गए माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो I3 फिर से 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज 0, तो यहाँ पर 0 करंट हो जाएगा ना, तो देखो ये 10 ये 5 ये 10 ये 5, व्हीट स्टोन ब्रिज है बैलेंस ब्रिज, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना इसका होगा, तो कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो तो 0 रहेगा, तो एनी वैल्यू ऑफ आर विल डू, इट इज़ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, सी एंड डी विल बी एट इक्वल पोटेंशियल्स, ओके, थैंक यू।